नमस्कार। आज हम लोग बना रहे हैं दही वाले आलू की मनभावन सब्जी। बहुत टेस्टी लगने वाली सब्जी है ये। अभी जब सब्जियां थोड़ी कम आ रही है ना, तब आप ये दही वाले आलू बनाइए, सबको पसंद आएगी और झटपट बन जाती है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दही आलू की ये सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7-8 आलू ले लिए थे, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। पहले इसको धो लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद इसे बॉयल करना है। आप उबले आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इसे उबालने के लिए हम कुकर में आधा कप पानी डालेंगे और उसी में सारे आलू डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आलू डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक आलू के हिसाब से डाल देंगे। ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे एक विसिल करेंगे और प्रेशर निकलते ही इसे पानी से अलग कर देंगे। तो यहाँ एक विसिल आ गई थी, हम इसे पानी से अलग करके रखेंगे और तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया सबसे इम्पॉर्टेंट 1 कप दही। ये घर में जमा हुआ दही आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें आधा चम्मच हमने गर्म मसाला डाल दिया है और 1.5 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसी के साथ में हम यहाँ थोड़ा सा काला नमक भी यूज कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून यूज कर रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है। इसी के साथ में लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ आधा चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ एक बहुत ही फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट है, ये पुदीना के पत्तों का पाउडर है। सूखे पत्तों का पाउडर लिया है मैंने। आप फ्रेश पुदीना लीव्स या कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। उन्हें बारीक चॉप करके इसमें डाल दीजिए और इसे बढ़िया से विस्कर की मदद से, स्पून की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिए। क्योंकि अगर आप पहले से नहीं फेंटेंगे ना, तो जो मसाला आप डालेंगे कढ़ाई में, तो ये फट जाएगा। तो ये बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसे साइड में रखते हैं और जो हमारे आलू बॉयल हो गए थे उनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आलू को हमने पानी से निकाल लिया था, बॉयल हो चुके थे अच्छे से और तुरंत हमने पानी से अलग किया ताकि ये ओवर कुक ना हो। और इसे मैं मैश करके दिखा रही हूँ ना, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से कुक हो चुके हैं। तो इन्हें भी साइड में रखेंगे। यहाँ कढ़ाई में एक छोटा चम्मच ऑयल गर्म किया, उसी में आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं। आप बिना फ्राई के भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट या फिर जब तक इसमें हल्के हल्के से गोल्डन स्पॉट ना आ जाए, तब तक हम इन्हें भून लेंगे। ये देखिए, ये कैसे बढ़िया से गोल्डन स्पॉट आपको दिख रहा है ना, तो इसी स्टेज तक हमें आलू को भूनना था। अब हम इसे निकाल के अलग करेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल हमने यहाँ गर्म कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकल हो रहा है, इसी में हम लहसुन और मिर्च बारीक कटी हुई डाल देते हैं। और इसी के साथ में 2 मीडियम साइज की प्याज, जिन्हें हमने बिल्कुल फाइनली चॉप करके रखा था, वो हम डाल देंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इन्हें हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है, बस इनका कच्चापन निकल जाए, थोड़े ट्रांसपेरेंट से हो जाए प्याज, इतना ही हम भूनने वाले हैं। तो इस तरह से चलाते हुए अभी हमने फ्लेम हाई रखा है, इसे भुनने देते हैं। और जो दही वाला पेस्ट है वो हम अभी नहीं डालेंगे, अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हमने आलू में भी डाला है, तो देख करके जितनी ज़रूरत हो उतना नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्याज बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। इस स्टेज पे फ्लेम हाई रखेंगे और दही वाला जो पेस्ट है ना, एक बार फिर से हिला करके हम इसमें डाल देंगे। और अब आपको बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में इसे चलाना है, क्योंकि अगर आप इसे फटाफट नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा और फिर जो आपकी सब्जी का टेक्सचर होगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल ऐसे इसे सुपर फास्ट स्पीड में चलाते जाइए। ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये बढ़िया सा थिक कंसिस्टेंसी का हो गया, पर इसे और पकाना है। जब तक कि ऑयल बिल्कुल ऊपरी सतह पे ना आ जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो इसे देखिए, अब आप देख रहे हैं ना, पूरा ऊपरी सतह पे तेल आने लग गया है, बिल्कुल बढ़िया मसाला भुन चुका है। तो बस इतना ही हमें मेहनत करनी होती है और हमें कुछ नहीं करना है। जो उबले हुए भुने हुए आलू थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। मसालों के साथ में भी हम इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने वाले हैं। अब अगर आपको सूखी सब्जी पसंद है तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली सब्जी, तो हम 2-3 मिनट भूनने के बाद में इसमें ग्रेवी डाल देंगे। वैसे अभी हम भुनने देते हैं, भुनने से टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ 2 मिनट हो चुके थे, हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें ग्रेवी डाल देते हैं। तो जिस बाउल में हमने पेस्ट बनाया था ना दही वाला, उसी से हमने 1 बाउल पानी, जो लगभग 1 कप है, डाल दिया है। वैसे पानी कितना डालना है ये आपकी चॉइस है। इसे डाल करके मिक्स कर देंगे, कवर करेंगे,
5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे कवर करके हम कुक करेंगे। देखिए अभी से कितनी बढ़िया दिख रही है ना, तो बस इसे अब हम कवर कर देते हैं और कुक होने देते हैं। और ये हमारी सब्जी बन कर के रेडी हो गई है। यहाँ देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया सी सब्जी पक चुकी है और बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसे किसी भी चीज़ के साथ में आप खाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी सब्जी की ज़रूरत नहीं, जस्ट आलू चाहिए, दही और ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने होते हैं। तो बस ये रेडी है, इसे मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ एक बार, कितनी बढ़िया सी बनी है ना। ग्रेवी थोड़ी देर में हल्की सी थिक हो जाएगी, पर अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप 2-3 आलू मैश कर सकते हैं या थोड़ी देर खुला रख के पका लें। और यहाँ मैं इसे बाउल में सर्व कर रही हूँ, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी दिख रही है। खाने में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइए जो सबको पसंद आएगी और आपको मिलेगी तारीफ। इसे पूरा निकाल लिया है, बहुत बढ़िया सी डिलीशियस सी सब्जी बन करके रेडी है। झटपट बनने वाली, कम मसालों में बनने वाली ये टेस्टी सब्जी है। इसे बनाइए, खाइए और रेसिपी बन आने पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।